कितना परसेंट आया? 98.16%। हमारा भी इन्वायरमेंट अच्छा बना रखा था घर का पढ़ने वाला। मम्मी पापा क्या कर? टीचर है दोनों। मैं दिन में लगभग 6 घंटे पढ़ता था, हर रोज कंसिस्टेंसी बनाए रखता था। तो टीचर होने का फ़ायदा मिला है? हाँ मिला है, बहुत मिला है। आज जो जनरेशन है बहुत डिस्ट्रैक्शन भरी है, तो इन सब से बच के ही रहना चाहिए और जितना कम हो सके उतना फ़ोन वगैरह यूज़ करना चाहिए। अपनी हॉबी को फॉलो करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना चाहिए। मेन फोकस अपने पढ़ाई पर ही रखना चाहिए, बाकी टाइम खेलकूद एक लिमिट में कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने आज 12वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। टॉप 10 में जगह बनाने वाले एक गांव के लड़का राहुल गंजीर मेरे साथ में है, जो बालोद जिले के देवरी में रहता है और टॉप 10 में 4th रैंक पर अपनी जगह बनाई है। राहुल गंजीर मेरे साथ है, जो कि एक बालोद जिले के छोटे से गांव देवरी में रहते हैं और 4th रैंक आपने हासिल किया 10वीं में। राहुल बहुत बहुत बधाई विस्तार। थैंक यू सर। ये बताओ यार राहुल, कैसे पढ़ाई करते थे आप? मैं दिन में लगभग 6 घंटे पढ़ता था, हर रोज़ कंसिस्टेंसी बनाए रखता था और हमारा भी इन्वायरमेंट अच्छा बना रखते थे घर का पढ़ने वाला, वही मेरे को मोटिवेट करता था और पढ़ता था। कितना परसेंट आया? 98.16%। आगे क्या बनना चाहोगे आप? मैं आगे इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैथ्स लेकर के पढ़ाई करना चाहता हूँ आगे। ये बताइए कि आप एक छोटे से गांव में देवरी में बताए आप, और कितना मुश्किल होता था गांव में पढ़ाई करना? हाँ मुश्किल तो होती थी, सुविधाएं कम होती थी, एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि मोटिवेशन मिलता रहता था कि पढ़ने हैं तो चल जाता था। गांव में भी पढ़ाई, कम सुविधा में भी पढ़ाई हो जाती है। मम्मी पापा क्या करते? टीचर है दोनों। टीचर हैं? तो टीचर होने का फ़ायदा मिला है आपको? हाँ मिला है, बहुत मिला है। इसको अपना श्रेय देंगे इस कामयाबी के पीछे? मम्मी पापा और नाना जी को। नाना जी को क्यों? वो भी टीचर है, वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। अच्छा हाँ। क्या अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी 11th की कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ। और क्या बनना चाहेंगे आप? इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर ही क्यों भाई? बचपन से सपना है मेरा कि घर में कोई इंजीनियर हो और मैं वो बनना चाहता हूँ। 12th आपका बच्चा है अभी, 12th बोर्ड भी है, तो उसमें कौन सा रैंक लाना चाहेंगे आप? मैं टॉप 1 रैंक लाना चाहता हूँ उसमें। कितने भाई बहन हैं, क्या है परिवार? मेरे परिवार में मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं और हम 3 भाई बहन हैं। 2 भाई हैं और 1 बहन है। मेरे एक बड़े भाई भी हैं और मेरी एक बड़ी दीदी है। इतना मुश्किल होता है जब आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, आप तो काफ़ी उम्र कम है, लेकिन इस खेल के साथ साथ पढ़ाई करना, और जैसे आपने टॉप 4th रैंक लाया 10th में तो छत्तीसगढ़ में, तो आपके उम्र के लड़के जो पढ़ाई करते हो या सहपाठी बोले या स्टूडेंट बोले, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेशन करें? आज जो जनरेशन है बहुत डिस्ट्रैक्शन भरी है, तो इन सब से बच के ही रहना चाहिए और जितना कम हो सके उतना फ़ोन वगैरह यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना चाहिए। अपनी हॉबी को फॉलो करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बट मेन फोकस अपने पढ़ाई पर ही रखना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम पर फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, बाकी टाइम खेलकूद एक लिमिट में कर सकते हैं अपनी हॉबी को। तो ये थे राहुल गंजीर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 10वीं में 4th रैंक हासिल किया है और देवरी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना इस उपलब्धि का श्रेय मम्मी पापा और अपने नाना जी को दिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज़।